मान लिया जाए कि एक जिले में प्राइवेट और शासकीय दोनों टीचरों के यदि संख्या मिला दे, एक जिले के पूरे जिले के, तो आपके हिसाब से कितने टीचर होंगे? एक अंदाज से 20-25 हज़ार, 20 से 25 हज़ार जिस जिले में आचार्य रहते हों, शिक्षक रहते हों, घड़ने वाले लोग रहते हों, और यदि ये लोग केवल एक व्रत ले लें, इनमें से केवल 1% कितने कितने 1% सबको माइनस कर दिया, 2,500 होते हैं, है ना? 25,000 का 1%, 2,500। आपके जिले में कुल कितने गांव हैं? वही तो, एक जिले पे दो दो शिक्षक। भारत माता की इस तस्वीर को एक ऐसी पिक्चर बना सकता है जिसको देखने के लिए शायद राष्ट्रपति आए, शायद प्रधानमंत्री आए, कि एक शिक्षकों ने ऐसा निर्णय लिया कि हम पूरे जिले के 25,000 शिक्षकों में से 1% शिक्षक हम भारत माता को बचाने के लिए भी सोचेंगे। वो भारत में गांव की आबादी है, और आप शायद मेरी बात से बुरा नहीं मानेंगे, मेरा बचपन भी गांव का है और मैं भी किसान का बेटा हूँ। मेरे जो शिक्षक थे, सदे आदरणीय पूनम चंद जी गुप्ता जी, जो मुझे गणित पढ़ाते थे, तो वो एक बार गेहूँ पिसाने के लिए जा रहे थे चक्की में, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा कि सर ये टोपला मेरे को दे दो, मैं चक्की तक छोड़ देता। तो उन्होंने थोड़ा झुक करके मेरे को बोला, इसके आटे की रोटी मैं और मेरा परिवार खाएगा बेटा, तू जा, ये मैं चक्के में मैं खुद रख करके आऊंगा। कुछ दिनों बाद मेरे को सर और मिले मंदिर में, शिव मंदिर में रोज उनका नियम था, तो मंदिर में वो झाड़ू निकाल रहे थे, पोछा लगा रहे थे, और फिर मैं वहाँ प्रणाम के लिए गया, फिर वहाँ पर वो मिले। मैं कहा सर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? तो बोले तेरी आत्मा का कल्याण का काम है, तेरी इच्छा हो तो तू भी झाड़ू पकड़ के झाड़ू निकाल सकता है। उस टीचर को मैं आज तक नहीं भूला। मैं जब झाड़ू निकालता हूँ तो मेरे सर दिखते हैं, जब मेरा काम मैं खुद करता हूँ तो मेरे सर दिखते हैं, कि जिसने कहा स्वावलंबन ही स्वाभिमान है, स्वावलंबन ही सम्मान है, स्वावलंबन ही समृद्धि है, वो स्वावलंबन ही जीवन की प्रगति और सर्वांगीण विकास की प्रगति का मूल मंत्र है। देखो टीचर ने मुझे घंटों पढ़ाया होगा और 8 साल तक पढ़ाया होगा, वो गणित मेरे काम कितना आया होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो सीख मेरे को यहाँ तक लेकर के आई, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। एक विद्यार्थी के जीवन में मात्र कागज की डिग्री पूरी नहीं होती है, उसके व्यक्तित्व की डिग्री जो होती है, उसके आंतरिक जीवन का बोध कराने के जो शब्द होते हैं, उसके ऊपर गहरा असर केवल और केवल दो का अधिक होता है, एक माँ बाप का और एक शिक्षक का। इतना गहरा असर दुनिया में किसी का भी नहीं होता है। इन दो का इसलिए होता है कि वेदों में इनको माँ कहा गया है, माता पिता और शिक्षक। यदि आपने आज की कार्यशाला में जो समय, साधन, प्रभाव, प्रतिभा और फीडबैक में जो पत्रक में अपनी छोटे से समय की घोषणा करी है, ईमानदारी से बताओ, व्यक्ति काम करता है, उसको पैसा मिल जाता है, और उसमें लगाना पड़ता है आपकी पूंजी, जिसको आप समय बोलते हैं। आपने समय लगाया है, ये आपके 8 घंटे 10 घंटे की पूंजी से आपको कुछ अर्जित हो गया, लेकिन ये बताइए ये पूंजी देने वाला कौन है? इस पूंजी को जिसने दिया, उसकी पूंजी में से उसको वापस कितना वापस दिया, वही सच्चा दान है। इसलिए धन दान देना बहुत छोटा दान है, धन दान देना बहुत छोटा दान है, सबसे बड़ा दान है समय दान देना। आप पूछोगे समय दान बड़ा क्यों है? क्योंकि वो पूंजी उसकी है, और उसकी पूंजी पूरी तय है
एक यान का मैं अनुसंधान पढ़ रहा था, तो उस वैज्ञानिक ने लिखा ये यान में बैठे लोग कब बीमार होंगे, कब इनको सर्दी होगी, किस तारीख को इनको पेट में दर्द होगा। तो उनका एक चिकित्सा बॉक्स साथ में दे दिया चंद्रयान पे जब वो गए थे वैज्ञानिक, उसका शोध मैंने पढ़ा। तो उन्होंने ये लिखा कि व्यक्ति का बीमार होना, उसका किस तारीख को कौन सा मेजर ऑपरेशन होना, ये सब सिस्टम में है। वो तो करोड़ों खरबों रुपए लगा करके केवल वो डेवलप वैज्ञानिकों के लिए किया। तो वो समय आपका किस तारीख को क्या आपके जीवन में घटेगा, वो पल पल मिनट टू मिनट तय है। उसके बाद में भी आपने उसमें से निकाल करके वो समय उस काम के लिए दे दिया, तो सबसे बड़ी संपत्ति आपने वो दे दी जिस संपत्ति पर आपका व्यक्तिगत जीने का अधिकार स्वतः ही था, लेकिन उसको आपने दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के निर्माण के लिए दान कर दे। तो समय दान से बड़ा संसार में कोई दान नहीं है। इससे आप किसी की जान बचा सकते हो, किसी की दिशा तय कर सकते हो, किसी भटके को सही रास्ता दिखा सकते हो, किसी गिरते आदमी के पतन को रोक के उत्थान के मार्ग पे ले जा सकते हो। और अपने समय को जो आपने यहाँ लगाया, यही आपकी पहचान बनेगी। जिस समय से आपको पैसा मिल गया, उससे आपकी कभी जीवन में पहचान नहीं बनेगी। उससे पदार्थ आ सकते हैं, साधन आ सकते हैं, लोक सम्मान जिसको भी मिला है, समय दान करने वालों को मिला है। संपत्ति तो मिल सकती है समय से, लेकिन समय से यदि सम्मान चाहते हो, इज्जत चाहते हो, प्यार चाहते हो, और यही बोए हुए समय से जो आपको ईश्वरीय अनुग्रह मिलेगा, लोक सम्मान मिलेगा, लोक जीवन में जो आपकी नहीं रहने पर जो कीर्ति मिलेगी, वो कीर्ति को कोई पैसे से या आपके परिवार के कुल से तुलना नहीं कर सकता है। हमारे गांव में जिन्होंने गायत्री परिवार विकसित किया, परम सद्य सत्यनारायण जी तिवारी जी, तो मैं सर को बता रहा था, मैं कहो भी एक शिक्षक थे जिन्होंने हमारे गांव वालों को मंजन करना सिखाया था, पूरे गाँव वालों को। मेरे बचपन में मैंने देखा, पहले शिक्षक क्या क्या करता था, मात्र पढ़ाता नहीं था, मैंने उनके घर में कभी सब्जी खरीदते, दूध खरीदते, अनाज खरीदते नहीं उनको देखा, कपड़े खरीदते नहीं देखा उनको। जब उनके घर में कोई काम आया था तो उनको किराना दुकान पे जाना या पंगत में जाने उनको नहीं मैंने देखा, पूरे गांव वालों ने वो काम पूरा निपटा दिया। तो वो शिक्षक ऐसा था कि पढ़ाता भी था, और गाँव में उसको पंडित जी बोलते थे, बोले पंडित जी के पास जा, पेट दुखी रो जाए, गोले ले आ। तो पहले आने चलते थे, एक आना, दो आना, पाँच पाई, दो पाई, तीन पाई, तो वो मास्टर केवल इतना ही नहीं होता था, गांव में डॉक्टर थोड़ी होता था, मास्टर ही डॉक्टर होता था, गांव का आधा से ऊपर काम मास्टर निपटाता था। तो मास्टर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था शिक्षक, वो गाँव का एक बहुत बड़ा शिल्पकार था। लेकिन आज वही शिक्षक, जैसे आप में से किसी शिक्षक ने अभी बोला कि उसकी जो उपेक्षा हुई है, तो उसका कारण वो अपनी गरिमा से कहीं गिरा है। उपेक्षा शिक्षक की नहीं हुई है, व्यक्ति की हुई है। उसने पैसा शिक्षक का लिया है, शिक्षक की गरिमा तो आज भी है। आज हमारे आदरणीय शर्मा जी को देखो, आप में से मैं बहुत सारे शिक्षकों को जानता हूँ, आप लोग जब भी आते हैं हमारे सोलंकी सर को देखो, राजपुर में चले जाए तो एक जगह खड़े हो जाए तो पैदल चलते तो 10 स्कूटर और 2 कार रुकते इनके सामने। सोलंकी जी बैठो, मैं घर छोड़ देता। मैं गलत बोल रहा हूँ? यही टीचर है, लेकिन जब ये सोलंकी जी पैदल चलते हैं तो कार वाला रुक जाता है, मोटरसाइकिल वाला रुक जाता है। यही शिक्षक यदि गायत्री परिवार का या गांव के लोगों के सुख दुख में खड़ा ना होता, तो ये कभी सड़क किनारे भी दारू पी के पड़ा रहता, तो इसको मुंह में पानी डालने का भी नहीं कोई पूछता, घर छोड़ने के तो जाने दीजिए। बस एक संस्कारों का, समय का नियोजन जो आपने यहाँ करा है, बहुत खुशी की बात है। हमारे हिसाब से समय पूरा हो गया है, एक छोटा सा प्रयोग है, अभी हम करते हैं। परम से डाया भाई आ जाइए, इनका मैं परिचय करा देता हूँ। यह हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बढ़वाने के लिए ये हमारे संयोजक है, और इन्होंने अपना पूरा समय शिक्षा आंदोलन के लिए नियोजित किया है।
और इन्होंने जो जिम्मेदारी दी है कि जिन शिक्षक बंधुओं ने आज फीडबैक पत्र दिया है इसका पूरा रिकॉर्ड बनेगा और रिकॉर्ड के साथ समय समय पर किसी बहन ने कहा एक कार्यशाला केवल जिला स्तर पर न हो तहसील स्तर पर पहुंचे तो आगे हमारी योजना बनेगी तहसील स्तर पर भैया जिस तहसील से आप जितने शिक्षक आए हैं उनके साथ इनकी एक कार्यशाला वहां पर हम प्रवास निकालेंगे और आपसे संपर्क बनाना रखेंगे आप जिन गांव में या जिस मोहल्ले में या जिस स्कूल में भी आपकी बाल संस्कार शाला चलेंगे जिन बच्चों को आप निर्माण करेंगे उनके साथ में आपके साथ में बैठ करके एक घंटा बिताएंगे मैं खुद भी और सर्वानी हमारे जिला संयोजक महोदय हमको जैसा भी समय मिलेगा हम आपके पास आने का प्रयास करेंगे क्योंकि सिस्टम बनाना है ये मात्र कार्यशाला नहीं है जैसे हमने बनाना है हम 1% शिक्षक जिस दिन बड़वानी जिले में भारत माता को दे देंगे उस दिन हमारे जिले के बच्चों का भविष्य कुछ और दिखाएगा इससे में शिवाजी इससे में विवेकानंद इससे में महाराणा प्रताप इससे में झांसी रानी लक्ष्मीबाई मीरा हमको मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव खेलती दिखाएंगे वो दीदी दूर नहीं है प्रयत्न और पुरुषार्थ हमारा है मिट्टी को घर घर के मूर्ति बनाई जा सकती है तो इंसान घड़ना है इसकी संवेदना उतरा रहा है ऐसे भाइयों के साथ में इनका पूरा योगदान रहेगा। आपको मंजूर है? हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती है।